नमस्कार, मैं डॉक्टर गीता चौगुले आपका बीकॉम के हिंदी तृतीय सेमेस्टर में स्वागत करती हूँ। इस सेमेस्टर में हमें नाटक ये विधा मतलब प्रकार पढ़ने के लिए हैं। हिंदी नाटक की परंपरा या हिंदी नाटक के तत्व हमें पहले पढ़ने चाहिए, उसके बाद ही हम अपने सिलेबस की तरफ मुड़ने वाले हैं। तो हम परंपरा शुरू कर देते हैं। हिंदी नाटक की परंपरा, इसमें नाटक या दृश्य काव्य साहित्य का अत्यंत प्राचीन प्रकार है। प्राचीन काल में हिंदी नाटक ही हमारे मनोरंजन का एकमात्र साधन था। हिंदी नाटक आने से पहले संस्कृत साहित्य में इसे रूपक नाम से भी जाना जाता था। नाटक का अर्थ है नट। कार्य में जो व्यक्ति कुशल होता है और वो अपनी तरह से भाव व्यक्त करता है, उसे अभिनेता कहा जाता है और उसकी भावना को नाटक कहा जाता है। तो नाटक के तत्वों का यदि विस्तारित प्रकार हम पढ़ेंगे तो हमारी समझ में आ जाता है कि भरत मुनि नाट्य शास्त्र के रचयिता हैं। भरत मुनि के द्वारा ही संस्कृत में प्रथम नाटक रचा गया और उसे नाट्य शास्त्र कहा जाता है। आधुनिक हिंदी नाटक में भारतेंदु हरिश्चंद्र ये नाम बहुत बड़ा जाना जाता है। नाटक किस तरीके से लिखना चाहिए या किस तरीके से होना चाहिए, इसके कुछ तत्व हमें होते हैं। पहला है कथा वस्तु। कथा वस्तु को ही नाटक कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे प्लॉट की संज्ञा दी जाती है, जिसका अर्थ आधार या भूमि है। कथा तो सभी प्रबंध का प्रबंधात्मक रचनाओं की रीढ़ होती है, और नाटक भी, क्योंकि ये प्रबंधात्मक रचना है और इसीलिए नाटक में भी कथानक अनिवार्य है, जरूरी है। भारतीय आचार्यों ने नाटक में तीन प्रकार की कथाओं का निर्धारण किया है। एक है प्रख्यात, दूसरा है उत्पाद्य और तीसरा है मिश्र प्रख्यात कथा। इन तीनों के बारे में ज्यादा न जानते हुए हम नाटक का दूसरा तत्व जान लेंगे, वो है पात्र परिचय। नाटक में नाटक का अपने विचारों, भावों आदि का प्रतिपादन पात्रों के माध्यम से ही करना पड़ता है। अतः नाटक में पात्रों का विशेष स्थान होता है। प्रमुख पात्र अथवा नायक कला का अधिकारी होता है। प्रमुख पात्र जिस तरीके से नाटक को चलाता है, उसमें समाज को उचित दशा तक ले जाने का कार्य वह करता है। भारतीय परंपरा के अनुसार प्रमुख पात्र विनयी, सुंदर, शालीन, त्यागी, उच्च कुलीन होना चाहिए, किंतु आजकल के नाटकों में जो प्रमुख पात्र होता है वो किसान, मजदूर अथवा कोई सामान्य व्यक्ति भी हो सकता है। पात्रों के संदर्भ में नाटककार को केवल उन्हीं पात्रों की सृष्टि करनी चाहिए जो घटनाओं को गतिशील बनाने में तथा नाटक के चरित्र पर प्रकाश डालने में सहायक होता है। पात्र परिचय नाटक के लिए बहुत जरूरी तत्व है। तीसरा तत्व है संवाद। संवाद को इंग्लिश में कहा जाता है डायलॉग। नाटक में नाटककार अपनी तरफ से कुछ कहने का अवसर छोड़ता नहीं, वह संवादों द्वारा ही कथा वस्तु जिस किस प्रकार होनी चाहिए या किस प्रकार होती है, इसका उद्घाटन संवाद के द्वारा करता है। पात्रों के जो चरित्र होते हैं वह अपने संवाद के द्वारा जाने जाते हैं, अतः यह संवाद सरल, सुबोध, स्वाभाविक तथा
पात्र अनुकूल होने चाहिए। संवाद गंभीर विषयों पर भी आधारित होते हैं, लेकिन इनका सामान्य प्रेक्षक को समझने के लिए ज्यादा उपयोग नहीं होता। इसीलिए नाटक के संवाद सरल, सुबोध और स्वाभाविक होने बहुत जरूरी है। तीसरा जो प्रकार है वह है अभिनय। अभिनय नाटक में बहुत जरूरी हो जाता है। अभिनय जिससे नाटक में किस प्रकार का ये नाटक है यह जानने के लिए अभिनय बहुत आसानी से लोगों के सामान्य प्रेक्षकों की तरफ से प्रेक्षकों के सामने आ जाता है। चौथा है भाषा शैली। नाटक की अपनी एक भाषा, अपना एक लेवल होता है। नाटककार किस प्रकार अपने नाटक को अभिव्यक्त करना चाहता है ये उसकी भाषा शैली से हमें मालूम पड़ता है। नाटक का उद्देश्य, नाटक की भाषा शैली नाटक को और आसान तरीके से प्रेक्षकों के सामने लाया जा सकता है। नाटक एक सर्वसाधारण वस्तु होती है जिसे उसकी भाषा शैली सरल, स्पष्ट और सुबोध यदि हो जाती है तो सामान्य प्रेक्षक को नाटक समझने में आसानी हो जाती है, नाटक प्रभावशाली हो जाता है। नाटक में यदि क्लिष्ट भाषा या कठिन भाषा का इस्तेमाल किया जाता है तो नाटक प्रेक्षकों के पल्ले नहीं पड़ता है। इसलिए भाषा शैली सरल, सादी, सुबोध होना अत्यंत आवश्यक है। उद्देश्य सामाजिक लोगों समाज के अंदर नाटक जब प्रवेश करता है तो लोगों के हृदय में उसका प्रवेश करना बहुत आसानी से प्रवेश करना आवश्यक है। जैसे हृदय में रक्त संचार होता है वैसे सामाजिक नाटक लोगों के सामने प्रस्तुत करना आवश्यक हो जाता है। नाटक के अन्य तत्व इस उद्देश्य के साधन मात्र होते हैं। भारतीय दृष्टिकोण सदा आशावादी रहा है और इसीलिए संस्कृत के प्रायः सभी नाटक सुखांत यानी उनका अंत सुखकारक होता है। पश्चिम नाटककारों ने या वेस्टर्न जो नाटककार हैं उन्होंने अपने साहित्य में ट्रेजेडी या दुखांत लाया था और उसी का अनुकरण हमारी हिंदी साहित्य ने भी किया हुआ है। किंतु सत्य है कि जिस नाटक का अंत उदास होता है या दुखांत होता है वह नाटक प्रेक्षकों को ज्यादा भाता है। और अगला तत्व है अभिनेता। यह नाटक की प्रमुख विशेषता है। नाटक को नाटक के तत्व प्रदान करने का श्रेय इसी को जाता है। यही नाटक तत्व प्रमुख है जो दर्शक को या प्रेक्षक को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस संबंध में नाटककार को नाटकों के रूप, आकार, दृश्यों की सजावट और उसके उचित संतुलन, परिधान व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था आदि का पूरा ध्यान रखना होता है। दूसरे शब्दों में लेखक की दृष्टि रंगशाला यानी रंगमंच के विधि और विधानों की ओर विशेष रूप से होनी चाहिए। इसी में नाटक की सफलता निहित होती है। अंतिम जो तत्व है वह है देशकाल और वातावरण। देशकाल और वातावरण के चित्रण में नाटककार को युग अनुरूप के प्रति विशेष सतर्क रहना अत्यंत आवश्यक होता है। पश्चिम नाटक में देशकाल के अंतर्गत संकलन, अत्र समय स्थान और कार्य की कुशलता का वर्णन किया जाता है। वस्तुतः यह तीन तत्व यूनानी रंगमंच के अनुकूल है जहां रात भर चलने वाले लंबे नाटक होते थे और दृश्य परिवर्तन की योजना नहीं होती थी। परंतु आज रंगमंच के विकास के कारण संकलन का महत्व समाप्त हो गया है। भारतीय नाट्यशास्त्र में इसका उल्लेख ना होते हुए भी
नाटक के स्वाभाविकता, औचित्य और सजीवता की प्रतिष्ठा के लिए देशकाल और वातावरण का उचित ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। नाटक का उद्देश्य। नाटक किस उद्देश्य से प्रेक्षकों के सामने लाया जाता है? पहला उद्देश्य है मनोरंजन। प्रेक्षकों का मनोरंजन करने के लिए, उन्हें एक अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए नाटक एक अच्छा माध्यम होता है। दूसरा उद्देश्य है मनुष्य की प्रगति। मनुष्य अपने विचारों की प्रगति नाटक को देखकर भी कर सकता है। बहुत से ऐसे नाटक इसका उदाहरण हो सकते हैं जिससे मनुष्य ने कुछ अच्छी बातें सीखी होगी। शिक्षण या शिक्षा। नाटक के द्वारा बहुत सारी ऐसी शिक्षाएं हमें आसानी से मिल जाती है। ऐतिहासिक तथा सामाजिक समस्याओं का प्रकटीकरण। हमें ऐतिहासिक बातें या सामाजिक समस्याओं के बारे में यदि जानकारी अच्छी तरह से होनी चाहिए तो हम नाटक के अलावा कोई पर्याय हमारे सामने नहीं होता। और अंतिम उद्देश्य होगा मानवीय संबंधों का विश्लेषण। मानव एक दूसरे के साथ किस संबंध में रहते हैं, इसका अत्यंत सुंदर विश्लेषण नाटक के द्वारा प्रेक्षकों के सामने हो जाता है और यही नाटक की एक खासियत है, नाटक का उद्देश्य है। नाटक के प्रकार। नाटक के बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण प्रकार हमें हैं। पहला है हास्य नाटक। हास्य नाटक को हम कॉमेडी कह सकते हैं। हास्य नाटक यह बाकी के नाटकों से अलग होता है, जिसका सुखद अंत होता है। इस नाटक का उद्देश्य मनोरंजन, यह एकमेव उद्देश्य होता है। विचित्र परिस्थिति, असामान्य या मजाकिया टिप्पणियां इस नाटक के अंदर उनका समावेश होता है। नाटक का दूसरा प्रकार है संगीत नाटक। इस नाटक में संगीत या म्यूजिक मुख्य पात्र निभाता है, यानी नाटककार अभिनय या संवाद से ज्यादा संगीत को ज्यादा महत्व देता है। इसमें संगीत के अलावा नृत्य का समावेश भी कभी कभार होता है। तीसरा नाटक का प्रकार है फेस ड्रामा। यह आमतौर पर पाश्चिमात्य या वेस्टर्न कल्चर से आया हुआ नाटक का प्रकार है। इसमें हास्य, ओवर रिएक्शंस या मेलोड्रामा हो जाता है और यह नाटक का एक विशेष प्रकार हमने अपनाया है। नेक्स्ट दूसरा है मेलोड्रामा। यह असाधारण नाटक होता है जो दर्शकों के होश में अपील होता है। पात्र एकदम सरल और आयाम होते हैं या फिर कभी रूढ़ भी हो सकते हैं। और नाटक का अंतिम प्रकार हो सकता है त्रासदी। त्रासदी को कहा जाता है ट्रेजेडी। यह नाटक आपदा, मृत्यु या दर्द जैसे गहरे विषयों पर बना रहता है, जिसमें विरोधियों में दोष होता है। नाटकों में संवेदनशील नाटक भी हो सकते हैं जो लोगों के दिल को छू लेते हैं। त्रासदी का अंत हमेशा दुखांत या दुखद होता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नाटक के तत्व, नाटक की परंपरा और नाटक के प्रकार हमें यह जानने के लिए बहुत हमें आसानी हो जाएगी। हमें इस सेमिस्टर में नाटक मन्नू भंडारी जी का नाटक है और इसीलिए हमें यह बैकग्राउंड या यह पार्श्वभूमि पढ़नी बहुत आवश्यक होगी। आशा करती हूँ कि आपको नाटक की ये परंपरा अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।